The Wire. लुधियाना का जगराव ब्रिज जो कि पिछले 3 साल से बंद, क्योंकि ये पुल शहर के कई हिस्सों को जोड़ता है और इसकी हालत खस्ता होने के चलते इसको दोबारा बनाया जाना, लेकिन रेलवे प्रशासन और मौजूदा प्रशासन की लापरवाही चलते इस काम को करीब 3 साल का समय, जिसको लेकर लुधियाना वासियों की ओर से आज जगराव ब्रिज की तीसरी बरसी मनाई गई और सच्चा यादव बनकर नाटक पे। इस मौके पर यूथ अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोसा ने क्या कहा, आप भी सुने। अज जगराओं पुल की तीजी बरसी मनाना है। NGO कुमार गौरव जी, राहुल जी, सच्चा यादव बन के आया। मैं हैरान हूँ कि अज असी उस देश से रह रहे 21वीं सदी की गल करते, चाइना, अमेरिका या होर देशों का मुकाबला करने की गल करते, तो साढ़े को एक टाकी नहीं लगाई गई, चाहे 24 करोड़ कहते जमा कराता, पर नीयत तो नीति से फर्क है। जे नीयत साफ हो तो कोई काम रुकता नहीं। जे सरकार नीयत ठीक होनी चाहिए है, तो मैं समझता सरकार नीयत नहीं ठीक हैगी, क्योंकि कैप्टन साहब ने अज तक ये सोचा नहीं गा भी इतने पुल का करना की है, कोई नीति नहीं बनाई, क्योंकि नीति आयोग की जो तो मीटिंग सी हिंदुस्तान की तो उत्ते भी नहीं पहुंचे सी। तो 2017 च 16 सितंबर 2017 च नवजोत सिंह सिद्धू इस पुल का मूहूर्त करके गए थी भी मैं पुल छेती तैयार करा दूंगा, तो उदू भी 2 साल होने लगे है। तो मैं समझता कि सिर्फ दावेबाजियाँ, खोखलेबाजियाँ अज पंजाब का लुधियाने का पट्ठा बह चुका। तो मैं बेनती करांगा सारिया NGOs नूं इदां ही जागण, तां जो साडा शायद प्रशासन जाग जाए, साडे देश का, साडे लुधियाने का भला हो सके। साडे लुधियाने का बहुत माड़ा हाल कर दिता।